दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक राजा। आप देख रहे हैं दीपारती न्यूज। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आया हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब वह सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। मेरे इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप एक मामले में एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो ये कि आप किसी भी पक्षी, जानवर या जीव को देखेंगे तो आप ये तुरंत बता सकेंगे कि फला जीव या जंतु स्तनपाई है या नहीं। वीडियो देखने के बाद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जीव को देखते ही बता सकेंगे कि ये जीव अंडा देती है या बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपने अब तक दीपारती न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपको बता दें, यह चैनल दीपारती वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के गाइडलाइंस पर चल रही है, इसलिए आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से संस्था से भी जुड़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार में जीव जितने भी प्रकार के होते हैं उनकी वंश वृद्धि बच्चा जन्मने या फिर अंडा देने से होता है। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि फलाना जीव वंश वृद्धि के लिए अंडा देती है या अन्य जीव बच्चा जन्मती है? इस वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं दीपक राजा आपके सामने हूँ, इसलिए ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। अगर आप इस जानकारी को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो में देखिए। आपको मैं एक ट्रिक दूंगा जो आपके लिए जादू से कम नहीं होगा। एक पल में किसी भी जीव जंतु, पक्षी या प्राणी को देखकर बता सकेंगे कि वो वंश वृद्धि के लिए अंडा देती है या बच्चा जन्मती है। दोस्तों आप सड़क पर चलते चलते कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि को रोजाना देखते हैं। अगर अब ये जानवर सड़क पर टहलते हुए मिल जाए तो उसे नजरअंदाज मत करिए। उनके शारीरिक बनावट को नए सिरे से देखने का प्रयास कीजिए। जब आप इन जानवरों की शारीरिक बनावट देखेंगे तो उनके सिर की संरचना पर विशेष ध्यान रखिए। सिर की संरचना उसके बनावट में ही वो जादू है, वो ट्रिक है जिसे आप देखेंगे और बता पाएंगे कि जीव जंतु बच्चे जन्मते हैं या अंडा देते हैं। दोस्तों बिना कोई समय गवाए आइए आपको हम बताते हैं कि वो ट्रिक असल में है क्या। वह ट्रिक बिल्कुल साधारण है। वो ये जीव जंतु के सिर की बनावट में कान बाहर दिखाई देते हैं। आप यूं समझिए कि जिनके कान आप चाहें तो अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, वे सब जीव जंतु अपनी वंश वृद्धि के लिए बच्चे जन्मते हैं। वे सब के सब स्तनपाई हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। वहीं जिन जीव जंतुओं के कान सिर से बाहर दिखाई नहीं देते, जिनके कान आप हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे सांप, कबूतर, मगरमच्छ, कछुआ आदि, ये सब के सब अंडे देते हैं, ये स्तनपाई नहीं है। है ना मजेदार ट्रिक? दीपक सर की क्लास के माध्यम से हम आपको आगे भी ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।